गुजरात के सूरत में केजरीवाल ने आज एक बड़ा रोड शो किया। इस रोड शो की कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। इसको डिटेल में समझना है तो हमारे संवाददाता निर्णय कपूर की रिपोर्ट देखिए। मिशन गुजरात पर अरविंद केजरीवाल सूरत पहुंचे हैं। यहां पे मौका है सूरत के जो चुनाव थे उसमें जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, 27 उसके उम्मीदवार जो हैं वो चुन करके आए हैं यहाँ पे महानगर पालिका में, और अपने समर्थकों का अभिवादन करने यहाँ केजरीवाल पहुँचे हैं। हालांकि ये है एक धन्यवाद रैली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब केजरीवाल की नज़र सूरत से आगे गुजरात के ग्रामीण इलाकों पर भी है, और मैं आपको बता दूं सूरत से बेहतर कोई उसके लिए इलाका नहीं था, क्योंकि सूरत का कनेक्ट जो है वो सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात के कई इलाकों से है। यहाँ उन इलाकों से आकर के लोग बसते हैं और उन्हीं के बीच में यहाँ केजरीवाल के उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं। सूरत में सैंपल टेस्ट था, रिजल्ट पॉजिटिव आया है, केजरीवाल का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। नजर अब गुजरात के गांव की ओर है, जहां 28 फरवरी को 31 जिला पंचायत, 231 तालुका पंचायत और 81 नगर पालिकाओं की 8,474 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। सूरत के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि नए विकल्प के तौर पर उन्हें गुजरात देख रहा है। निकाय चुनाव में भी सूरत का असर दिख सकता है, इसीलिए प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल का ये रोड शो जो है, दो दिन तक इसकी तस्वीरें एक अपना प्रभाव छोड़ेंगी उन लोगों पे, और मैं आपको बता दूं करीब 2100 कैंडिडेट जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में खड़े किए हैं नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत में, और उसे उम्मीद है कि इसका प्रभाव उन सीटों पर भी पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ गुजरात के अंदर एंट्री कर चुकी है। हमको दिल्ली मॉडल पसंद है, बहुत अच्छा काम करने वाली है आम आदमी पार्टी। एक विकल्प के तौर पे उभरेगी अगले विधानसभा चुनाव से पहले पूरे आम आदमी पार्टी आएगी सभी राज्य में। शिक्षण और आरोग्य की सुविधा नहीं मिल रही है जो आम पार्टी ने दिल्ली में दी है, वो गुजरात मॉडल इसलिए आम जनता को पसंद है। यहाँ आप देख सकते हैं जो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के इस रोड शो में शामिल हुए हैं। हम आपको बता दें कि सालों से ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सालों से बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब पिछले कुछ समय से नाराजगी थी। 2015 में कांग्रेस को इन्होंने समर्थन भी किया था, उसके चलते इन वार्ड्स में कांग्रेस जीती थी जैसे आज आम आदमी पार्टी जीती है, लेकिन कांग्रेस पर भी इन्हें उतना विश्वास नहीं रहा जब इन्हें तीसरा विकल्प मिला आम आदमी पार्टी के रूप में। और यहाँ आप देख सकते हैं उसका परिणाम, आज यहाँ जो हुजूम उमड़ा है समर्थकों का आम आदमी पार्टी के, उसके तौर पर देखा जा रहा है, और शायद बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब हो सकता है। केजरीवाल का कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं हाई है, उसकी वजह है 6 महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी का चढ़ता ग्राफ। जो हमें डाटा मिला है उसके हिसाब से गुजरात में आपकी सॉलिड एंट्री हो चुकी है, कांग्रेस को साफ कर दिया है और बीजेपी को भी आंखें दिखा रही है। 6 महानगर पालिकाओं में गुजरात में आपको कुल 17% वोट मिले हैं, सिर्फ सूरत में वोट शेयर 28% रहा है। 15 लाख से ज्यादा वोट सूरत में मिले हैं, बीजेपी ने 120 सीट में से 93 सीटें जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीती, कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात ये रही कि आपके 45 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। हम 27 हैं, वो 93 हैं, लेकिन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक एक आदमी 10-10 पे भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना सदन के अंदर। ये नतीजे इस बात की तरफ क्लियर कट इशारा कर रहे हैं कि लोग बीजेपी और कांग्रेस की सियासत में एक नए विकल्प को तलाश रहे थे।